गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ही अब ये दूसरा सब टॉपिक है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या है? जो जो सेक्शन के लोग उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। सो लेट अस नाउ लुक एट different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? And what did Swaraj mean to them? A similar analysis हम लोगों ने non-cooperation movement के लिए भी पढ़ा था. Now let us see in the countryside rich peasant community. फोकस करो इस पे, रिच पीजेंट कम्युनिटी पे, यानी कि रिच पीजेंट कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप। तो अभी एक सोशल ग्रुप की बात हो रही है, वो है रिच पीजेंट कम्युनिटी। सो इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटी लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि दो लोग एक्टिव थे, ठीक है। अब नाउ बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, तो अब कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे और हमें पता है कि कंट्री साइड पे टर्मोइल क्यों था, बिकॉज ऑफ द डिप्रेस्ड एग्रीकल्चरल प्राइजेस, डिप्रेस्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, पीजेंट्स वर नॉट एबल टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो उस टाइम पे टर्मोइल था, तो अब वही टाइम चल रहा है। सो नाउ दीज रिच पीजेंट्स who are the producer of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. So इनको इनके ऊपर असर हुआ। इनको उतना पैसा मिला नहीं रिटर्न जितना मिलना चाहिए, कमर्शियल क्रॉप्स लगाया था इन्होंने। सो एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। मतलब अब टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिमांड को पे करना इम्पॉसिबल हो गया। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड, और सरकार ने रेवेन्यू डिमांड को कम करना भी नहीं समझा कि थोड़ा कम कर दें क्योंकि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। नहीं, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू डिमांड उतना ही रखा और ये जो रिच पीजेंट्स थे ये लोग वो रेवेन्यू डिमांड नहीं दे पाए। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. तो अब इनको बुरा लगा कि अब ये लोग तो कम कर नहीं रहे हैं revenue demand को। So these rich peasants become enthusiastic supporter of civil disobedience movement. तो जिन जिन को government से दिक्कत है, अगर सामने में एक civil disobedience movement का train जा रहा है तो वो लोग उस civil disobedience movement के train में चढ़ जाएंगे। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो ये लोग पार्टिसिपेट कर गए। क्यों किए? इनके लिए स्वराज का क्या मतलब है? ये सब डिपेंड करेगा कि इन लोगों पर क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन में ये लोग हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये लोग। तो अभी करेंटली अगर हम बात करें रिच पीजेंट्स की, तो इन लोगों का इंपॉर्टेंट क्या है डिमांड अब, कि हम लोगों को गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड ना देना पड़े या कम देना पड़े। सो दीज रिच पीजेंट्स बिकम एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी एंड एट द टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। तो इन लोगों ने बोला, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे कि छोड़ो ये सब नहीं करेंगे, उनको भी मना के ले गए कि चलो अब पार्टिसिपेट करो सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स और ये सब जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा मोडेलिटीज कि कैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। सो फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अपने प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं ये लोग। सिमिलरली बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। तो अब ये लोग थे कि भाई हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, अब रेवेन्यू डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन
गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया था विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। तो कोई अगर बोलेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स जो थे वो खुश थे, तो नहीं, यहाँ पे क्या, वो डिसअपॉइंटेड थे वो खत्म होने के बाद। क्यों? क्योंकि उनका रेवेन्यू रेट को रिवाइज नहीं किया गया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो जब अब सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दो बार हुआ, एक बार सिविल डिसोबीडियंस हुआ, फिर क्या हुआ, फिर राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए ये लोग, फिर अगर बात नहीं बनी तो फिर सीडीएम रिलॉन्च किया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड तो फिर ये लोग मना कर दिए पार्टिसिपेट करने से। कौन लोग? रिच पीजेंट कम्युनिटी। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो रिच पीजेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली? तो आंसर होगा नो। अब यहां पे अगला पैराग्राफ, द पुअरर पीजेंट्री। अब यहां पे एक अलग सोशल ग्रुप की बात की गई, वो सोशल ग्रुप है पुअर पीजेंट्री का। यहां पे किसकी बात की गई थी? रिच पीजेंट कम्युनिटी की, जो कि कॉमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे। अब यहां पे आते हैं हम लोग पुअरर पीजेंट्री की, जो कि गरीब खेती करने वाले लोग। पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टिनेंट्स, टिनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। तो कुछ लोग ये थे, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम ड्विंडल्ड, मतलब कैश इनकम इनको भी नहीं आ रहा था, सो स्मॉल टिनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। तो ये लोग रेंट नहीं दे पाएंगे। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड, मतलब माफ कर दो, जो रेंट हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो प्रोड्यूस हमने किया यहाँ पे वो इकोनॉमी में जाके हमको प्रॉपर पैसा नहीं आ पाया, इसलिए मैं रेंट नहीं दे पा रहा हूँ। तो रेंट नहीं दे पा रहा हूँ तो परेशानी है। ये रेंट पे लिया हुआ था, ये जो जमीन है, जो आदमी उस पर काम कर रहा है, ये जमीन उसकी अपनी नहीं है, उसने रेंट पे लिया है। उस वैसे लोगों को बोलते हैं टिनेंट्स। सो अब ये लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं उसका। सो व्हाट विल हैपन? उनको चाहिए कि माफ कर दो मुझे किराया। सो दे जॉइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो ये लोग जो हैं किराया माफ कराने के लिए और अपने सहूलियत के लिए काफी रेडिकल मूवमेंट्स में, दे जॉइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। एप्रिहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट। कांग्रेस के सामने दो लोग, एक रिच पीजेंट एक पुअर पीजेंट। अब रिच पीजेंट भी कांग्रेस पार्टी को कुछ पैसा देते थे, कुछ तो देते ही होंगे। ये नाराज ना हो जाए इसलिए इनके, किसके, पुअर पीजेंट के नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन। अब यहां पे देखो, इस टाइम पे जब ये हो रहा है सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस टाइम पे कांग्रेस की हालत क्या है? रिच पीजेंट ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब रेंट रिवाइज नहीं हुआ और गांधी जी ने कॉल ऑफ किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो ये रिच पीजेंट जो है ये गुस्सा गए कि नहीं, हमको कांग्रेस से मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनका गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिमांड रिवाइज नहीं हो पाया, नहीं कम किया। फिर अब इन्हीं के जमीन पे कुछ लोग इनसे किराए पे जमीन लेके खेती करते थे, इन लोगों का क्या है कि इससे रेंट माफ करा दो। अगर कांग्रेस इसकी मदद तो की नहीं और इसको बोलेगी कि तुम इनका रेंट माफ कर दो, तो इनको गुस्सा आएगा। किसको? रिच वाले को। तो जब रिच वाले को गुस्सा आएगा तो ये गुस्सा नहीं कराना चाहते थे, इसलिए इन्होंने, कांग्रेस ने पुअर पीजेंट का नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। सिंपल चीज। तो जब सपोर्ट नहीं किया तो ये लोग भी गुस्सा हो गए। तो ये रिच पीजेंट भी गुस्सा है और पुअर पीजेंट भी गुस्सा है और रिच पीजेंट भी गुस्सा है। सो कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अभी तक हम लोगों ने दो सोशल ग्रुप की बात की है, एक रिच पीजेंट कम्युनिटी, दूसरा पुअरर पीजेंट्री की, और दोनों ही खुश नहीं है कांग्रेस से।
ये बॉक्स वन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको थोड़ा रीड करते हैं। मैनी नेशनलिस्ट थॉट दैट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वॉन थ्रू नॉन वायलेंस। गांधी जी का नॉन वायलेंस का तरीका है, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि बिना वायलेंस के नहीं मिलेगा। सो इन 1928, इंपॉर्टेंट, इस समय पे और क्या हुआ था 1928 में, और कुछ हुआ था? ये देखो, तो याद रखिए टाइमलाइंस को भी थोड़ा। नाउ लेट अस सी, मैनी नेशनलिस्ट थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वॉन थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, नहीं जीत सकते बिना हथियार उठाए, बिना लड़े, तो क्या होगा? इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA वॉज फाउंडेड एट ए मीटिंग। एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली में, और वहाँ पे 1928 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। एमंगस्ट इट्स लीडर वर कौन कौन थे? भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। इन तीनों का नाम याद रखना है आपको, एक तो टेस्ट में मैं भी पूछूंगा और आगे भी आएगा। इन ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द HSRA टारगेटेड सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश पावर। अब क्या, एक कुछ ये लोग धमाका करते थे, क्या करते थे? इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। इन द सेम ईयर देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन जिसमें लॉर्ड इरविन ट्रेवल कर रहे थे, उस ट्रेन को बम से उड़ाने की बात। भगत सिंह वॉज 23 व्हेन ही वॉज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द, फांसी लगी उनको बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह स्टेटेड दैट ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्तौल। अब देखो, भगत सिंह के इमेज से लगता है, और बहुत सारा गलतफहमी भी है, कि वो बॉम्ब और पिस्तौल के कल्ट को ग्लोरीफाई करते थे, मतलब कि यही सबसे, इसी से सब चीज होगा, ऐसा नहीं है। उनका ये कहना है, ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह स्टेटेड दैट ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई नहीं करना था कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्तौल को, बट वॉन्टेड ए रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी, समाज में बदलाव लाना चाहते थे, बंदूक और पिस्तौल के कल्ट को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते थे। सो रिवॉल्यूशन इज इनएलियनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये तो होना ही है मैनकाइंड के लिए, अधिकार है उसका। फ्रीडम इज द इनप्रिस्क्रिप्टिबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। द लेबरर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी, लेबर जो है उसी के कारण सोसाइटी चल रही है। टू द अल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेट फॉर सो मैग्निफिशेंट ए कॉज विच इज द कॉज दिस फ्रीडम वी आर कंटेंट वी अवेट द एडवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन इनकलाब जिंदाबाद। ये उनका द्वारा कहा गया लाइन, तो समझ रहे हो फ्रीडम को कितनी इंपॉर्टेंस दी उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्तौल को, उनको रिवॉल्यूशन चाहिए था सोसाइटी में। ये दो चीज याद रखो, बॉम्ब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, HSRA जो है वो फिरोज शाह कोटला में 1928 में फॉर्म हुई थी, और वहां पे लीडर थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, नाम याद रखिए। तो ये तो हमने बीच में एक बॉक्स पढ़ लिया, लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे, हाउ द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इसमें हम लोगों ने देखा था रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट्री। नाउ लेट अस सी द अदर सोशल ग्रुप, विच इज अदर सोशल ग्रुप, बिजनेस क्लास। वॉट अबाउट बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट
हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। डिमांड बढ़ा, फैक्ट्री से सामान की मांग हुई, तो जो लोग की फैक्ट्री थी उनको फायदा हुआ। अभी के लिए ये समझिए। सो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, कि अब भाई बिजनेस तो बढ़ाना है, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। अब कॉलोनियल पॉलिसी जो थी, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि बाहर से सामान आए, यहाँ से सामान ना जाए, इम्पोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो। तो एक्सपोर्ट कम होने के लिए यहाँ पे बैरियर लगा दिए। बैरियर किस तरह का? टैक्स, उसके बाद से एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम किया। तो इस सब के कारण क्या हुआ, एक्सपोर्ट जो है वो महंगा हो गया, तो लोग पसंद नहीं किए, तो इनका एक्सपोर्ट कम होने लगा। तो जब एक्सपोर्ट कम होने लगेगा तो फिर यहाँ की फैक्ट्री पे असर पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे, कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, उनको अगर बिजनेसमैन को, बिजनेस क्लास को, बिजनेस क्लास की बात हो रही है, अगर बिजनेस क्लास को अपना बिजनेस बढ़ाना है, सो इस बार उन्होंने क्या किया कि कॉलोनियल पॉलिसी जो कि रिस्ट्रिक्ट करती थी बिजनेस एक्टिविटी को, उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठाए। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब ऐसा नहीं कि फॉरेन गुड का इम्पोर्ट से भर जाए इंडियन मार्केट, एंड ए रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट, और एक्सचेंज रेट वैसा होना चाहिए जहाँ पे ऐसा हो कि इम्पोर्ट महंगा लगे और यहीं की बनाई हुई चीज सस्ती लगे, तो इस तरह का एक्सचेंज रेट करना चाह रहे थे। To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. तो ये देखो एक चीज यहाँ पे important बोला जा रहा है कि तो इसी सब के लिए, किसके लिए, imports को कम, exports को ज़्यादा promote करने के लिए, और rupee sterling को इस तरह से exchange ratio बनाया जाए कि imports कम हो, लोग imports ना पसंद करें क्योंकि imports महंगा हो जाएगा। तो ऐसा करो कि इंपोर्ट्स महंगा हो जाए, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके। इसके लिए अब इन्होंने फॉर्म किया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927। अब यहां पे ये देखिए, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी। तो अगर कोई बोलेगा कि बिजनेस क्लास ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो ऐसा नहीं है। लेड बाय पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड व्हेन इट वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड, ठीक है, तो पहले जब लॉन्च हुआ था पहली बारी तो सपोर्ट किया। नाउ दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। अब यहां पे स्वदेशी वाला और बॉयकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स को, तो ये इनके लिए अच्छा हुआ, इंडियन प्रोड्यूसर के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए। क्यों? क्योंकि उसका सामान लोग खरीदेंगे। सो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेन। अब यहां पे देखो, बिजनेसमैन के लिए स्वराज का ये मतलब है, क्या मतलब है कि हमारा बिजनेस अच्छे से चले, ये है स्वराज। पुअर पीजेंट्री के लिए स्वराज का मतलब है रेंट नहीं, रिमिट कर दो, रेंट माफ कर दो। रिच पीजेंट्री के लिए स्वराज का मतलब है हाई रेवेन्यू ना देना पड़े सरकार को। तो देख रहे हो स्वराज का अलग अलग मतलब। अब ये जो ओपनिंग पैराग्राफ था कि व्हाट डिड स्वराज मैन टू देम, तो इसका आंसर अब मिल रहा है यहाँ पे। तो जब पढ़ रहे हो तो इस तरह से खोज खोज के चीज।
छूत का पाप अपने मन से